नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रविवार की शाम सोशल मीडिया पर यह डंका बज चुका था कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू सफल हो गया है। यह केवल सफल ही नहीं हुआ बल्कि लोग सहजता से आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो गए, यानी लॉकडाउन को लोग पूरी तरह समर्थन कर रहे थे। प्रधानमंत्री के आग्रह पर देश के एक बड़े तबके और प्रमुख हस्तियों ने ताली थाली संग घंटे घड़ियाल बजाकर उन योद्धाओं को धन्यवाद दिया जो इस संघर्ष में अपनी जान हथेली पर रखकर देश सेवा में जुटे हुए हैं। यह एक अद्भुत पहल थी, पर उससे भी अद्भुत था वह दृश्य जिसे पूरी दुनिया ने कल शाम 5 बजे गौर से देखा। ऐसा करिश्मा मोदी जैसा व्यक्तित्व भी करा सकता है, पर इसके बावजूद ऐसे भी लोग थे जिन्होंने देश सेवा में जुटे योद्धाओं को स्मरण करना गवारा ही नहीं समझा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तहमंद और टोपी के साप्ताहिक हाट को न केवल बढ़ावा दिया है बल्कि उनकी देश विरोधी मानसिकता को खाद पानी देकर सींचा है। ये तहमंदबाज तो शायद ही किसी को ताली बजाते दिखाई दिए हों, वैसे भी इनसे देश के साथ चलने की उम्मीद ही बेमानी है। यह जमात देश के सीने पर उस कंटीली झाड़ी की तरह है जिसका फल तक विषैला होता है, इसलिए टोपी जमात का कोई ताली बजाता दृश्य बामुश्किल ही नजर आएगा। इसके साथ ही इनके वह शुभचिंतक भी इनके साथ खड़े नजर आए जो रात को धोती पहनकर सोते हैं, फिर पूरे दिन तहमंद और जालीदार टोपी पहनकर ततियाबीन बजाते हैं। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने योद्धाओं को सम्मान देने की राजनीतिक दुकान के लिए उचित नहीं समझा। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती और ओवैसी जैसे नेताओं से ऐसी उम्मीद करना ही व्यर्थ था, क्योंकि यह वह टुकड़ी है जो टुकड़ों वाले के साथ खड़ी रहती है। केजरीवाल को भी देश सेवा के दूत याद नहीं आए, यानी इन लोगों को अलग से अल्पसंख्यक आयोग और मंत्रालय भी चाहिए, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार भी इनको चाहिए। लेकिन जब बारी देश के साथ चलने की आती है तो यह कहीं ना कहीं विरोध में गर्दन पटक रहे होते हैं। बड़ी बात यह है कि इस रोक को भारत में लाने में इनकी भी बड़ी भूमिका है। खाड़ी देशों और ईरान में जब बीमारी फैली तो यह सबसे पहले पिछवाड़ा उठाकर भारत की तरफ भागे थे, यानी जब जाना फत में आई तो इनको देश याद आया, नहीं तो यह ईमान वाले बनकर उसी तशरीफ से अलगोजे बचाते घूम रहे थे। शर्म की बात यह है कि जब इन्हें छोड़कर देश के सभी समुदाय अपने जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मी और इस बीमारी में देवदूत बने लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं मूंग दल रहे थे। संभवतः इन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाकर एक बार फिर इस देश में अपनी विश्वसनीयता कम की है। जो नेता इनके रहनुमा बनते हैं या जिन नेताओं को उंगली लगाकर ये अपने ईमान की जीत समझते रहे, आज उनका वजूद शहर के किसी न किसी जंग खाए घंटाघर की तरह हो चुका है। पिछले 72 साल तक जिस टिक टिक पर यह नाचे थे, अब वह सुई पूरी तरह थम चुकी है। इनकी रहनुमाओं की दुकान में नीले थोते से ज्यादा सामान नहीं बचा है, इसलिए ताली या घंटे बजाते तो नीले थोते से यह भी संक्रमित हो सकते थे। अब यह सवाल कोई नहीं पूछेगा या पूछता ही नहीं है कि इन्होंने घंटा या ताली क्यों नहीं बजाई। देश समझ चुका है कि इनकी मानसिकता का लावा किस दिशा में बहता है। इनके चौचले अब सरकारों को रास नहीं आते। जिस वोट को लेकर यह उछलते थे उसका मोल बहुसंख्यकों के एकजुट वोटों के सामने फूड कलर से ज्यादा कुछ नहीं है, जो केवल रंग तो दिखा सकता है मगर उसे सीधे खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कल घरों में डूबके इनके रहनुमा तिरंगे के रंगों से इतर फूड कलर की निखारी का इंतजार करते रहे। वह चमक सकता था अगर वह तिरंगे में घुल मिल जाता, पर तिरंगे में तो तभी घुलता अगर इन्होंने टोपी की जगह मास्क को अहमियत दी होती। चौंकाने वाले आंकड़े देखिए, साल 1952 में कभी 11 मुस्लिम सांसद हुआ करते थे, 1957 में 19 हुए, 1962 में 20, 1967 में 25 मुस्लिम संसद पहुंच गई, 1989 आते आते यह 49 की गिनती में आ चुके थे, परंतु वर्ष 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो यह फिर 23 पर सिमट गए। आज नवनिर्वाचित मुस्लिम सांसदों की संख्या 25 है, यानी कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोकसभा को जमा मस्जिद बनाने की जो पहल की थी वह निवस्त्र हो चुकी है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से 2014 के चुनाव में एक भी मुस्लिम संसद नहीं पहुंच पाया था। इस बार जरूर 6 मुस्लिम उत्तर प्रदेश से सांसद है, पर बावजूद इसके ये लोग भी उसी परिपाटी को अपनाए हुए हैं जिसको इन्होंने धर्मनिरपेक्षता बताकर खुद में कट्टरता का संचार किया है।
बड़ी बात यह है कि इन 25 मुस्लिम सांसदों में कितने ऐसे थे जो देश के योद्धाओं को सलाम करते दिखाई दिए। अगर यही धर्मनिरपेक्षता है तो इसे 100 नहीं 110 जूते पड़ने चाहिए, साथ में उनको भी जो इस विपत्ति में भी राजनीति करते दिखाई दे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।